खंडवा कृषि उपज मंडी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने परिसर में व्यापार भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे जहां किसानों को सुविधाएं मिलेगी, वहीं व्यापारियों को लाभ भी होगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री पटेल ने मांधाता विधानसभा के किल्लोद गांव को गोद लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधायक नारायण पटेल और मैं दोनों मांधाता विधानसभा में जनता की सेवा करने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस अवसर पर कई भाजपा नेता और किसान मौजूद थे। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। खाली ट्राली का 20 कुंटल 40 कुंटल का माल हो गया, किसान पेमेंट दे दिया, तुम्हारा कोई हाथ नहीं लगा तो काय का पेमेंट दे। लेकिन हम माल हैं, हमारे तुलावटी हैं, इनको काम मिलना चाहिए और इसलिए व्यापारी उनको काम देंगे, हम व्यवस्था करेंगे। दूसरी मांग आपने रखी कि हमको जो शेड बना के दिए गए हैं उनका किराया वसूली नहीं हो रहा, मैं उसकी जांच कराऊंगा और नियमानुसार आपको पूरा देंगे, आपको किसी प्रकार परेशान नहीं होने देंगे। तीसरा जो मंडियां मध्य प्रदेश में हैं और जब निर्माण हुआ गोडाउन तो किस व्यापारी जो है सिर्फ किसान का माल खरीदता है, कोई दूसरा व्यापार नहीं करता है, और इसलिए उसको बहुत महंगी बाजार से भी ज़्यादा रेट राजस्व विभाग के कलेक्टर गाइडलाइन से होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसमें संशोधन करने जा रहा हूँ और आपको रियायती दर पर हम गोडाउन देंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं व्यवसाय करते। जैसे मैंने कहा ना, किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता है, देश के लिए करता है। इसी प्रकार व्यापारी सिर्फ अपने लिए व्यापार नहीं करता, किसान और देश के लिए करता है, और इसलिए मंडी के अंदर वो दूसरा कोई व्यापार तो करता नहीं, उससे सिर्फ अनाज रखने के लिए शेड के और ये उसके लिए चाहिए, और इसलिए इसमें कलेक्टर गाइडलाइन में इसमें संशोधन करेंगे। क्योंकि मंडियों को जो जमीन दी है शासन ने वो 1 रुपये पे दी है, और इसलिए उनको उसी हिसाब से रियायत दर पर व्यापारियों को हम उपलब्ध कराएंगे या उनको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, हम किराए पर देंगे सस्ता। जूती पहन के आने वाला मॉल में जाता ही नहीं बेचारा, रहता है कि क्या मालूम मेरे को बाहर भगाने दे, और इसलिए इस देश का किसान का सम्मान बढ़ेगा। मंडी में मॉल बनेगा किसान का, सुई से लेकर हार्वेस्टर, क्या BMW भी उसको चाहिए तो वहीं से मिलेगी हर चीज, और सस्ती मिलेगी। जैसे मिलिट्री की कैंटीन होती है, कोई अपना दोस्त है तो उसको कहते हैं यार 2 बॉटल लिया ना, जरा सस्ती मिलेगी, है ना, या उसको किसी को सो के किसी को कहते हैं कि अगर अटैची अच्छी यार जो सामान अच्छा मिलता है लियाना, क्यों, क्योंकि वो देश के लिए काम करता है और इसलिए उस पर टैक्स की छूट रहती है। इसी प्रकार मंडियों में किसान को खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण, जो चीज लगेगी उसको वो मंडी से ही मिलेगी, बड़े बड़े गोडाउन होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के, ताकि गुणवत्ता युक्त मिलेगी, ओरिजिनल माल मिलेगा और उसमें हम टैक्स की छूट देंगे। इसलिए किसान को हम एक स्मार्ट कार्ड बना के देंगे पूरे किसानों, वो मंडी में आएगा और फिर उसको कहेगा दूसरा कोई कि भैया मेरे पास खेती के वो नहीं है यार, तेरे कार्ड से मेरी चीजें खरीद लेता हूँ, सस्ते मिल जाएगी, तो किसान का सम्मान बढ़ेगा। जैसे मिलिट्री वाले का सम्मान बढ़ता, दोस्ती करते नहीं करते हम मिलिट्री वाले, अपने गांव में कोई मिलिट्री वाला हो तो, और इसलिए ये हम किसान का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो किसान मॉल भी मंडी में, क्योंकि जितनी भी मंडी की जमीन है सब प्राइम लोकेशन पे, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसका सदुपयोग करेंगे और हम व्यापारी को भी देंगे, सस्ता देंगे और हर सुविधा रहेगी, वो हमारा व्यापारी और किसान छोटा जो है वो कमाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पैसे जेब में, पैसा मुट्ठी भर लोगों के पास नहीं रहे। 55 साल तक लोगों ने मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति बने, अब हमारे 130 करोड़ में से 100 करोड़ से अधिक लोग करोड़पति और अरबपति बनेंगे, ऐसी योजना हम लेके आ रहे हैं, सम्मान के साथ देंगे। और जब मंडी में व्यापारी आएगा और किसान माल लेके आएगा, सुनो मंडी सेक्रेटरी, कल से गेट कितने हैं आपके मंडी के, एक है कि दो है, दोनों गेट पर 4 आदमी लगाओ साफा पहना के, जैसे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो गेट खोलता कि नहीं खोलता, गाड़ी का हाथ जोड़ता है, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहें, चंदन के तिलक रखे, उनको चंदन का किसान को भी तिलक लगाए, क्योंकि वो अन्नदाता जीवनदाता है, और ये व्यापारी भी हमारे सम्मानी जो अन्न खरीदते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो किसान क्या करेगा, इनको भी चंदन लगा के इनका सम्मान करें हर दिन, ताकि व्यापारी का भी सम्मान बढ़े, किसान का भी सम्मान बढ़े और हमारी मंडी की विश्वसनीयता बढ़े। और वाकई में मंडी जो है ये किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में और देश के हित में रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके। किस तरह का भवन है, उद्देश्य क्या है इसका, इस जो भवन का उद्घाटन किया गया है? देखिए मंडी जो है, किसान यहाँ कृषि उपज लाकर व्यापारी उसको खरीदता है, और मंडी परिवार के अंदर किसान, व्यापारी और हमारे कर्मचारी मिलकर एक परिवार है,
और इसलिए व्यापारियों को जिस प्रकार हम मंडी उपलब्ध कराती है उनकी खरीदी के लिए शेड और गोडाउन, उसी प्रकार किसानों के लिए भी विश्राम गृह, व्यापारियों के लिए बैठने की, मीटिंग करने की और ये आराम करने की जगह, इसलिए यह व्यापारी भवन हमारे स्वर्गीय अशोक कुमार सोहालाल जी अग्रवाल जी की स्मृति में ये व्यापारी और मंडी ने मिलकर बनाया, यानी व्यापारियों को भी सहयोग है इसके अंदर, और एक ये बहुत अच्छा कार्य जन भागीदारी का जो सहयोग से हुआ है उसके लिए मैं खंडवा जिले के व्यापारियों का, मंडी कृषि उपज मंडी समिति के जो व्यापारी हमारे अनाज खरीदी करते हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए गौ कैबिनेट की स्थापना हुई है, गौ कैबिनेट की स्थापना हुई है, क्या उद्देश्य क्या है इसका, इसे कैसे कौन बता रहा हूँ आपको। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने गौ कैबिनेट की घोषणा की, मैं उसका किसका हाथ किसका कृषि मंत्री होने के नाते अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसे बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि गौ हमारी माता है, करोड़ों देवी देवताओं को उसमें वास रहता है। कृषि हमारे यहाँ हजारों वर्षों से गोवंश के आधार पर होती थी, हल बलराम भगवान किसानों के देवता है और उन्होंने सबसे पहले हल चलाया, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ, मशीनीकरण का युग आया और उसके कारण गोवंश की उपयोगिता कम होती गई, लेकिन हमने कृषि उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन बीमारी का भी डर कर लिया, पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग करने के कारण, और हमारा देसी खाद जैविक खेती धीरे धीरे लुप्त होती गई, लेकिन उत्पादन बढ़ने से आज देखते हैं पंजाब के अंदर होशियारपुर जिला है जहाँ पर कैंसर ट्रेन चलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।